हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। ठीक, आप लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि एनसीईआरटी कैसे हम पढ़ें, एनसीईआरटी किस क्लास की पढ़ें, हम एनसीईआरटी नई पढ़ें या पुरानी वाली पढ़ें, और उन एनसीईआरटी को पढ़ करके हम कैसे नोट्स बनाएं। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट हैं, कंफ्यूजन है या शंकाएं हैं, सारा समाधान आज हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में। एक एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपकी सारी शंकाओं का समाधान करने वाले आज हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे आपको वीडियो पसंद आते हैं, आप लाइक जरूर करिए। ठीक है, व्यू के बाद आप लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, उससे क्या होता है, हमें एक एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम और अच्छे अच्छे और नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूंगा और आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी देता रहूंगा। ठीक है, हमारे कुछ मित्र हैं जो लगातार हमको कमेंट करते हैं, व्यू करते हैं, लोगों में शेयर करते हैं, जिनका मैं नाम बार बार लेता हूं। आज हमारी लिस्ट में फिर से 10 लोग शामिल हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। और उनका नाम है विकास पांडे जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, पूजा राय जी हैं, सुमित मिश्रा जी हैं, अशोक यादव जी हैं, अंजना यादव जी हैं, गरिमा दीक्षित जी हैं, विनीत कुमार जी हैं, प्रीतम गुप्ता जी हैं और अजय कुशवाहा जी हैं, जो हमारे आज के बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली व्यूअर्स थे, जो हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। ठीक है, आप भी करिए, आपका नाम भी हम यहाँ से लेंगे तो आपके नाम को लोग यहाँ पर सुनेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि एनसीईआरटी नई हो या पुरानी हो, ठीक है, कौन सी बेहतर है। कंफ्यूजन बड़ी है स्टूडेंट में कि नई पढ़े या पुरानी पढ़े। मैं सारी कंफ्यूज दूर करता हूं, एनसीईआरटी नई पुरानी का कोई अंतर नहीं है। आपको जो मिल जाए आप वो पढ़िए, पुरानी मिलती है पुरानी पढ़ लीजिए, नई मिल जाती है नई पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। अगर आपको कोई भ्रम में ये डालता है कि पुरानी वाली अच्छी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पुरानी वाली क्या है, देखिए मैं दोनों में अंतर बता दूं। ठीक है, पुरानी वाली क्या है, उनको एक लेखक लिखा करता था जिनका नाम था श्री राम शरण शर्मा जी। ठीक है, वो लिखा करते थे। ठीक है, और जो नई वाली है तो उसमें क्या है कि उसमें कई ऑथर, कई लेखक मिल करके उसको लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि किस क्लास की पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कला वर्ग के हैं, यानी कि जो आर्ट वर्ग के हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, वो कक्षा 6 से सॉरी कक्षा 8 से अगर 12 तक की पढ़ते हैं तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और अगर जो विज्ञान वर्ग के हैं वो 6 से 12 तक की पढ़े। ठीक है, यानी कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी उनको पढ़नी होगी जो विज्ञान वर्ग के हैं। इसका अंतर ऐसा है इसलिए क्योंकि जो विज्ञान विषय विद्यार्थी हैं तो उन्होंने मतलब इतिहास भूगोल के बारे में कुछ भी चीजें उनको पता नहीं होती हैं। ठीक है, उनकी बैकग्राउंड साइंस होती है, इसलिए तो उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। और अगर आप कला वर्ग के, अगर कला वर्ग वाले भी 6 से पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी बात है ये तो। ठीक है, बल्कि सबको मैं तो कहूंगा कि कक्षा 6 से स्टार्ट करें और 12 तक वो जाए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, नई पुरानी बात हो गई। अब इसको हम कैसे पढ़ें और इससे हम नोट्स कैसे बनाए। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी का जो फंडा, बेसिक फंडा क्या है, एनसीईआरटी की जो बुक किसके लिए बनाई गई है, वो बुक्स छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। ठीक है, और उसमें प्रत्येक घटना को, प्रत्येक चीजों को कहानी के रूप में लिखा गया है, साथ ही ये डायग्राम भी बनाया गया है, फ्लो चार्ट बनाए गए हैं, और उनके माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया गया है कि बहुत ही सरल और सहज शब्दों में बच्चे उस बात को समझ सकें। ठीक है, अब चूंकि हम लोग बड़े हुए हैं, हमारी समझने की क्षमता अधिक हो गई है, तो हम लोग तो उसको और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और उसको जल्दी पढ़ सकते हैं, तो उस वक्त से मतलब इतनी एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा 30-40 बुक्स हो जाएंगी, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक एक बुक पढ़ने में मुश्किल से 2 से 3 दिन लगने हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब आप उसको मतलब बस क्या करना है, एक आप कहानी के रूप में उसको पढ़ते जाना है, पन्ना पलट जाना है। ठीक है, कुछ चीजें अगर हो तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट उसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जिस विषय की भी आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं तो जब तक उस विषय को, ये मेरा पर्सनल सुझाव है, ठीक है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, ये मेरा पर्सनल सुझाव है, मैं ऐसा ही करता हूँ कि मैंने जो एनसीईआरटी पढ़ी है। ठीक है, तो अब देखिए मैं तो अभी भी पढ़ लेता हूँ, कुछ लोग कहते हैं सर एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है, कोई जरूरी नहीं कितनी बार पढ़ने। ठीक है, एक बार दो बार से, देखिए हम तो अभी भी जब टाइम मिलता है तो क्या करते हैं कि कोई विषय एनसाइड उठाए तो उसी पढ़ लेते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, और जब भी पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया नॉलेज मिलता है, नई चीजें उसमें हमको दिखाई देती हैं, तो हम तो जब भी खाली होते हैं तो एनसाइड ही पढ़ लेते हैं। ठीक है,
तो कोई नहीं, आप जितनी बार पढ़ना चाहें, लेकिन कम से कम आपको एक बार एनसीईआरटी तो प्रत्येक विषय की पढ़नी होगी अगर आप वास्तव में सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, एक बार तो कम से कम पढ़ें, अगर हो सके तो दो तीन बार भी आप पढ़ें तो अच्छी बात है। ठीक है, जो लोग बेसिकली पीसीएस वगैरह देते हैं, जिनको मतलब मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग करनी होती है, तो उनके लिए तो बहुत लाभकारी, चूंकि परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, जो पीएससी फोकस कर रहे हैं, पीसीएस फोकस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है, चूंकि जो मेंस में आंसर राइटिंग होगी वो सारी की सारी समझो एनसीईआरटी बेस्ड ही है और वहीं से सब कुछ मैटर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है, बहुत जरूरी, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप क्या करें कि मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, तो जब तक मैं कहूंगा जब तक उसकी श्रृंखला समाप्त ना हो जाए, यानी पहले आप अच्छा 6, 7, 8, 9 तो मतलब जो भी 4-5 किताबें हैं वो सारी किताबें आप पढ़ लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कहानी जैसी बनी चली जाएगी, मतलब वो क्रम से किताबें जुड़ती जाएंगी, कहानी आगे बढ़ती जाएगी और अंत तक क्या होगा, पूरा इतिहास आप समझ जाएंगे। ठीक है, या पूरी भौगोलिक व्यवस्था आप समझ जाएंगे, या साइंस या अर्थव्यवस्था जो भी है, सारी चीजों को आप क्रम से पढ़ते जाएंगे, चूंकि जैसे कक्षा बढ़ती है वैसे थोड़ा उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाता है, चीजों को थोड़ा सा कठिन किया जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है उसको क्रम से आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी प्रत्येक विषय में, जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं, अच्छी खासी आपकी समझ विकसित हो चुकी होगी। ठीक है, कॉपी कलम को साथ में रखें, जो भी जरूरी चीजें हैं उनको अपने जो है डायरी में या कॉपी में नोट करें। ठीक है, वो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न एनसीईआरटी से उठा दिए जाते हैं, जैसे कि पीसीएस और यूपीएससी परीक्षाओं में एनसीईआरटी से बेसिकली प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कोचिंग संस्थान तो ऐसे होते हैं जो स्पेशली एनसीईआरटी का बैच चलाते हैं, आपने सुना भी होगा। ठीक है, कि एनसीईआरटी बैच है, ठीक है, मतलब वहां पर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, उस पर डिस्कस किया जाता है और वहां से जो भी प्रश्न बन रहे होते हैं उन पर बात की जाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी समझो ये हमारी नींव है। ठीक है, जैसे कि जब मकान बनाया जाता है ना, तो उसकी नींव को मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, और नींव जितनी मजबूत होगी उसके ऊपर आप जितने भी मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दें तो कभी नींव हिलने वाली नहीं है, गिरने वाली नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपकी नींव मजबूत है, एनसीईआरटी आपने अच्छी से पढ़ी है, आपका बेसिक क्लियर है, तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में और आगे पढ़ने में और आगे समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी नींव को मजबूत कीजिए और उस पर चाहे जितनी मंजिल की बिल्डिंग आप खड़ी कर दीजिए, चाहे आप आरओ तैयारी करिए, चाहे पीसीएस की करिए, चाहे आप यूपीएससी की करिए, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपकी नींव मजबूत है, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ट है, बहुत अच्छी है, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, कैसे पढ़ना मैंने आपको तरीका बता दिया है, विषय वाइज पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। ठीक है, नोट्स भी बनाएं, उसको अंडरलाइन करें और समझते हुए पढ़ें, डायग्राम को समझें, चित्रों को समझें। ठीक है, और उस पर एक अपनी एक स्वयं की समझ विकसित करें, उन चीजों को अपने दिमाग में कहानी के रूप में बैठाने का प्रयास करें, ताकि आपके प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं वो गलत ना हो। ठीक है, ऐसा ही एक वीडियो और मैं बनाने वाला हूँ, जिस पर हम बात करेंगे कि जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं उनको कैसे पढ़ा जाए, उन पर नोट्स कैसे बनाए जाए, उन जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स इतनी मोटी मोटी उनको संक्षिप्त में कैसे ढाला जाए, कैसे उसमें से हम अच्छी अच्छी बातों की, जो हमारी काम की बात है उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, उनको भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज और भी वीडियो और बनना बाकी है, हम जो लोगों ने पूछा हो कि सर राजपत्रित और गैर राजपत्रित में क्या अंतर है, उस पर हम आपको जल्दी वीडियो देने वाले हैं, आप इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो वही होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।